हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने मुमरा के रहने वाले एक शख्स को खारे गांव टोल नाके के पास से 260 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम साजिद हसन खान, 42 वर्ष है, जो मुमरा के अमृत नगर जनता बेकरी के पास रहता है। ठाणे क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि ठाणे परिसर में कुछ लोग गांजा लेकर आने वाले हैं, जिसके बाद खारे गांव टोल नाके पर घेराबंदी कर एक ओला से 260 किलो गांजे के साथ साजिद हसन खान को गिरफ्तार किया गया है। बरामद किए गए गांजे की कीमत 39,17,700 रुपये बताई जा रही है। साजिद के खिलाफ NDPS के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया है कि ये गांजा उड़ीसा से लाया गया था, जो ठाणे और मुंबई के आसपास के इलाकों में सप्लाई किया जाना था। अब पुलिस उड़ीसा में कहाँ से और ठाणे मुंबई में कौन इस गांजे की खरीद फरोख करने वाला था, इसकी जांच में भी पुलिस जुट गई है। इस पूरे मामले को लेकर ठाणे क्राइम उपायुक्त शिवराज पाटिल ने क्या जानकारी दी है, आपको सुना दें। थाना पुलिस आयुक्तालय में गुन्हे शाखा घटक 1 के अधिकारी ACP सोनोने साहब और उनकी टीम और PI पाटिल और उनकी पूरी टीम को इन्फॉर्मेशन थी कि खारेगांव जो टोल नाका है वहाँ से कुछ गांजा थाना परिसर में आ रहा है। उसके हिसाब से उन्होंने ट्रैप आयोजित किया था। वो ट्रैप में एक ओला गाड़ी में ऐसा पाया गया है कि कुछ बैग्स कैरी कर रहे हैं। तो जब उन्होंने उसमें तहकीकात की तो ऐसा पता चला कि लगभग 260 किलो गांजा उसमें कैरी कर रहे थे और उसकी लगभग कीमत 39 लाख रुपीज़ उसकी कीमत है। और ये जो गांजा है वो थाना परिसर और मुंबई के अंधेरी और कुर्ला परिसर में जा रहा था और एक बहुत ही अच्छा डिटेक्शन यूनिट 1 ने किया है। और इसमें एक साजिद हसन खान करके एक आरोपी इसमें पकड़ा गया है। और भी इसमें ये जो माल है ये उड़ीसा से आया था और ये हमारे परिसर में आ रहा था। तो आगे उड़ीसा से किसने लाया, कौन इसमें इन्वॉल्व है, इसका भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और यहाँ पे मुंबई में अंधेरी में उसका रिसीवर कौन है, थाना में कौन रिसीवर है, इसका भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और आगे जाके इसमें और आरोपी इसमें अरेस्ट होने वाले। किस गाड़ी से ये माल लाया गया? ये जो ओला गाड़ी थी उसमें से इन्होंने ये गांजा लाया गया था। ओला के ड्राइवर को बताया गया था कि ये गांजा नहीं है बल्कि ये कपड़े के बड़े बड़े बैग्स है करके उसने बताया था। और उसको बाद में जब अरेस्ट हुआ उसके बाद में पता चला था कि इसमें गांजा है करके। तो ओला गाड़ी का इसमें यूज हुआ है। जो साजिद हसन खान जो आरोपी है, पहले भी नारकोटिक्स के एक गुने में वो अरेस्ट था, उसके ऊपर उसमें कार्रवाई हुई थी। उसमें चरस उसने बिक्री की थी उसमें और उसमें उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी। तो आगे और भी उसका इसके दौरान कुछ उसने ऐसा नारकोटिक्स का माल सप्लाई किया गया, इसके भी इन्वेस्टिगेशन जारी है।